गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सोच रहा था कि एक थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉग बना लूँ। तो सर हम कहीं पे जा रहा है, तो मुझे बोला कि मेरे साथ चलो। तो मैंने बोला कि चलो यार, इस चक्कर में मोटो ब्लॉग भी हो जाएगा। तो बाइक वहाँ पे था, बहुत गंदा हो गया, अभी इसको धो रहा हूँ, अच्छी तरह से धो दो, फिर आपसे बात करता हूँ। लगभग मेरे को कितना दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया मैं नहीं निकला गाड़ी बाइक को बाहर ही नहीं निकला। तो अभी शाम थोड़ा बहुत चेंज हो गया और धोते हैं। और जो है लेग गेट के चक्कर में देखो यहाँ पे स्क्रैच पड़ गया बाइक पे। पहले थोड़ा बहुत ही था, फिर बाद में देखा कि बहुत है, बहुत गंदा हुआ है, मेरे को बहुत दिल पे लगा। और इधर भी देखो, इधर भी थोड़ा बहुत, यहाँ पे ना पीपीएफ करना होगा या तो कुछ स्टिकर वगैरह लगा के देना होगा, नहीं तो ऐसे देखने में बुरा लगता है मेरे को। तो धोना कंप्लीट हो चुका है, अभी देखो कैसा मज़ेदार दिखाई दे रहा है। सब बहुत हम रेडी हो चुके हैं, अब नीचे जाएंगे एक बंदे को एक जगह पे ड्रॉप करने के लिए। ऐसे तो मैं रैपिडो में नहीं मारता, लेकिन इसके लिए जाना पड़ता है रोज रोज, इसके लिए जाना पड़ता है भाई, बिना पैसे की रैपिडो करता हूँ मैं इसके लिए। तो चलो हेलमेट लेते हैं और हेलमेट में माइक वगैरह फिटिंग कर दिया, ऐसा फिटिंग कर दिया। तो चलो लेट्स गो, नीचे चलो। तो चलो अभी हमारा काम हो चुका है, बाइक ऐसे निकलते हैं और ये दोनों जो मैं लगाया हूँ, ये दोनों ऐसे बस स्टाइल के लिए मेरे पास था, दोनों मैंने खरीदा था। फ्यूल भी ज़्यादा नहीं है, तो अभी फिलहाल जा रहे हम तेल लाए, फ्यूल भी नहीं है ज़्यादा, इसीलिए ढिक ढिक कर रहा है। आई डोंट नो कैसा होगा, आगे फ्यूल अप करना होगा। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि एक रैपिडो ब्लॉग भी बनाऊँ, क्योंकि सिर्फ ब्लॉग के लिए, मतलब कि सिर्फ ब्लॉग के लिए मैं बाहर आऊँ और ब्लॉग बनाऊँ। कमेंट करना अगर बनाना सही होगा या नहीं, बहुत लोग बनाता है ऐसे, बस वो सब रैपिडो नहीं करते, बस वीडियो के लिए बाहर आता है और बना के चला जाता है। उससे हमको यहाँ से जाना होगा, यहाँ पे ना एक बार हमको चालान कट गया था 300 रुपये का, मैं वहाँ से यहाँ से वो पीछे से चला गया था गाड़ी के। अगर आप अच्छे से बाइक चलाओगी तो आपको साइड नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे करके जाना होगा। और आपको ब्रेकिंग बहुत अच्छी तरह से समझ लेना होगा बाइक का, क्योंकि आगे जाके ना ठोके। देखो, और शायद मैं एक वीक से बाइक को नहीं निकाला, इसीलिए थोड़ा बहुत इंजन ठंड पड़ गया। साउंड देख रहे हो आप लोग, और मेरा सर में पहले, मतलब कि पहले हेयर था, लॉन्ग हेयर था, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हेलमेट वगैरह फिट हो जाता है। लेकिन अब ना क्या हुआ कि हेलमेट वगैरह अच्छी तरह से फिट नहीं होता, थोड़ा बहुत लूज़ होता है, इसीलिए ना थोड़ा नीचे आ जाता है, अगर मैं मोबाइल लगाता हूँ तो नीचे आ जाता है, बस थोड़ा ये दिक्कत हो रहा है। ओह देख रहे हो भाई, कहाँ से लगा देते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ गुवाहाटी के अगर आप अच्छी तरह से चलाओगे तो आपको तो चलो अभी अच्छी तरह से जाते हैं। हम आज कुछ नहीं पहना, राइडिंग किट वगैरह कुछ भी नहीं पहना, और राइडिंग किट के चक्कर में मेरे टैंक में दाग हो गया, तो मैं दिखाया वो धो रहा था तब। अभी थोड़ा बहुत खुश थे,
तो इस तरह से खींचने में मज़ा आता है। इधर अगर कोई फ्लाईओवर मिले तो उसमें खींचने का मज़ा ही कुछ और है। और इसी तरह से मैं रात की ट्राई करूँगा कि हाँ अगर कुछ हो ना जाए और सामने पुलिस वगैरह अगर गांड ना आगे क्या करो अभी। भाई साहब आपको जाना कहाँ पे, कहाँ पे जाना है? फ्लाईओवर देख के ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कान में। अच्छी तरह से मैं चलाता ही नहीं हूँ। ओ टर्न और आज का मोटो ब्लॉग है इतना खास नहीं है, बस ऐसे ही मतलब ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत जाना है और भाई को छोड़ देंगे। भाई मतलब क्या इसमें फील होगी मैं रेविडे कर रहा हूँ ऐसे ही फील, लेकिन बिना पैसे का फ्रेंड है ना इसीलिए सीधा जाओ ना। और उस बार क्या तो पहले वीडियो में बनाया उसमें 1.1 के समथिंग व्यूज आ चुका है और उसमें क्या हुआ कि 120 तक ही मैंने 125 तक टॉप स्पीड उठाया था और जा सकते थे, लेकिन मतलब कि तो शॉर्ट रेंज में 120 ही अचीव कर सकते हैं और अगर थोड़ा लॉन्ग रूट होगा तो 130 या 135 तक भी चला जाता है। मैं एक ब्लॉग में देख चुका हूँ मतलब कि वो टॉप स्पीड उठाया था, लेकिन अभी तक मैं एक ही बार उठाया था 130 तक ही, वो एक बार उठाया था जब लॉन्ग ये बोलना चाहिए था ना। अब हम ज़्यादा आ चुके हैं इसीलिए घूम के जाना होगा। ये वाला लोकेशन अंदर चला जाओ। तो पैसा कितना हुआ हमारा? पैसा मिलेगा कितने रुपए मिलेगा। तो अभी हम लोकेशन पे आ चुके हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सोच रहा हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ, मतलब रेगुलर नहीं वीक में 2-3 तो बनाऊँ ऐसे जिम का मोटो ब्लॉगिंग है। मैं जिम और मेरा ब्लॉग में जिम और मोटो ब्लॉगिंग का ज़्यादातर रहेगा क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर भी नहीं जाता ना। तो संडे को मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँगा और ऐसे मैं जिम का थोड़ा बहुत ब्लॉग डालता रहूँगा, वो भी अच्छा होगा। तो चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, भाई साहब को फिर से ड्रॉप करना होगा। तो सामने ही हमारा टर्न लेने का रोड है और ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है। और यहाँ पे रास्ता वगैरह बहुत अच्छा है, चलाने में मज़ा आता है और कुछ नहीं। तो सामने पुलिस है तो यहाँ पे धीरे जाना होगा, ऐसे ऐसे मासूम बन के जाना होगा क्योंकि हम कुछ भी नहीं समझते, हम कुछ भी नहीं समझते। तो देख सकते हो हमारा आगे एक पकड़ लिया, मैं सोचा कि मुझे पकड़ ना ले लेकिन हम दोनों बंदे हेलमेट लेके चले थे इसीलिए बच गए, नहीं तो मेरे पास तो कैमरा भी था ही ऐसे मारता भाई पता नहीं।
सलोम कैसा लगा? डर गए थे ना थोड़ा बहुत कि है हमें पकड़ ना ले। मैं सोचा कि मुझे ही मतलब कि रोक रहा था क्योंकि कैमरा देखा इसीलिए, लेकिन नहीं, फिर बाद में देखा कि हम लोग हमें नहीं वो लोग दोनों हेलमेट नहीं पहना इसीलिए रोका। और अभी फ्यूल अप भी करना है हमें, तो अभी सामने पेट्रोल पम्प कहाँ पे है, ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं कुछ खाने के लिए, तो चिकन नहीं कुछ और खाएंगे। और मेरे साथ ये भी आ चुका है गाइस, चलो खाना खाते हैं। इस बार मेरा टर्न है या आपका? देखो भाई मेरे को फंसा दे रहे हैं अभी। फंसाना क्यों भाई, खाना तो पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो यार, कमेंट क्यों नहीं करते यार, कमेंट करो यार।